छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीतिक विज्ञान स्थानीय शासन, ये अध्याय 8, इसका भाग 1 पढ़ेंगे। स्थानीय शासन, जिस स्थान पर जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा अपनी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय शासन मतलब जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जिससे हमें सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनका हमें विकेंद्रीकरण करना है। यदि स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होगा, छोटी मोटी समस्याओं का, तो लोगों को केंद्र की ओर दूरी का भी फर्क पड़ेगा और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। तो इसलिए ये स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजों के समय से भी थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में अपने स्वतंत्र भारत में सन 1993 से स्थानीय शासन, ये संविधान का एक संशोधन हुआ, 73वां, 74वां, और उसमें ये स्थानीय शासन का नियम लागू हो गया। तो यदि जैसे देखिए, आप एक उदाहरण बता रहे हैं, आपके मोहल्ले में या सरकारी कोई नल है, खराब हो गया है, तो यदि उस नल को सुधरवाना है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय आपने प्रतिनिधि चुने हुए हैं जनता के द्वारा, आप उनको शिकायत कर सकते हो। यदि स्थानीय शासन नहीं होगा तो उसके लिए आपको बहुत दूरी दूर तक जाना पड़ेगा अपनी समस्या को बताने के लिए। तो इस प्रकार हमें शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमें विकेंद्रीकरण करना है, मतलब विकेंद्रीकरण को हमें रोकना है। तो स्थानीय लोग हैं जो वहां रहते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हैं, तो जो निचले स्तर पर हैं उन्हें हमें शासन को क्या बनाना है? लोकतंत्रात्मक बनाना है, जन जनता के द्वारा जनता के लिए बनाना है। और जब ये स्थानीय सरकार की स्थापित होगी तो स्थानीय लोगों की क्या होगी, उसमें भाग लेंगे और स्थानीय समस्याओं का समाधान आसानी से होंगे, लोग जागरूक होंगे वहां पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय सरकार की आवश्यकता बहुत अच्छी है, ताकि वहाँ के लोग भाग ले सकें। तो हमारे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का क्या हुआ? विकास हुआ। तो ये जो संविधान है, संविधान का 73वां संशोधन जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, और एक था संविधान का 74वां संशोधन, ये था शहरी क्षेत्र के लिए। उसमें थोड़ा सा उनके, तो वो शहरी क्षेत्र के लिए था। अब हम पढ़ते हैं जो उनका 73वां
संशोधन था उनका, उसमें ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए था। इसमें जो 73वां, इसमें जो ढांचा बनाया था पंचायती राज व्यवस्था का, वो त्रिस्तरीय था। इसमें तीन स्तर थे। अब हम निचले से शुरू करते हैं। पहला था निचले क्षेत्र पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और जो दूसरा था वो था खंड, ब्लॉक स्तर बोलते हैं खंड, या कहीं कहीं उसको हम बोलते हैं तालुका। और जो तीसरा था वो था जिला पंचायत। जिला पंचायत में जिले के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे गांव आते हैं, वो जिले का मतलब गांव या जिले का पूरा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि 73वां जो संशोधन था उसमें ये तीन स्तर पाए जाते हैं। अब उसके बाद ये जो हुआ है इसमें हम देखते हैं कि इसमें चुनाव हर 5 वर्ष में इनमें क्या करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। पहले ये चुनाव जो अपने राज्य और प्रादेशिक क्षेत्र थे वो लोग करवाते थे। आजकल ये जो चुनाव करवाते हैं ये अपने राज्य, वहाँ पर एक राज्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं और उनकी देखरेख में करवाए जाते हैं। यदि मान लो चुनाव में, चुनाव होने पर यदि किसी भी जो सदस्य चुने गए हैं, यदि मान लो वो परिषद या वो भंग हो जाए, तो भंग होने पर हम 6 महीने के अंदर पुनः, 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करवाने पड़ते हैं। उस व्यक्ति को, उस पद को फिर से इस प्रकार ये गांव प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें अपने जो चुनाव करवाने वाले उनके पूरे नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर भी आरक्षण होते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। तो और पुरुष और महिलाएं, महिलाओं को भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो इसमें महिलाओं को एक बटे तिहाई, महिलाओं को भी एक तिहाई सीटें सीटों का यहाँ पर आरक्षण होता है। और आरक्षण में प्रत्येक वर्ग के, समुदाय के जो लोग होते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग, SC व ST व OBC व अन्य वर्गों के लिए,
ये आरक्षण होता है ताकि समाज के सभी वर्ग आगे आएं और स्थानीय शासन में अपनी सक्रियता को निभाएं। इसके बाद इन स्थानीय जो 73वां संशोधन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो उनके 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। आप देखिए कौन कौन से कार्य हैं ये 11वीं अनुसूची में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और खेती ज़्यादा होती है, तो उनको कृषि से संबंधित समस्याओं, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल संचय और भी हैं जो कॉमन है यहाँ छोड़ दिए गए हैं, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण आवास, पानी की पेयजल की समस्या, सड़क बनवाना, पुलिया, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा की व्यवस्था करना प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में, तकनीकी प्रशिक्षण, समय समय पर छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनका प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है प्रौढ़ शिक्षा, उनको भी सहायता करते हैं शिक्षा देने में, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, अपने भारतीय देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेले का प्रबंध करना और स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं, साफ सफाई, अस्पताल, परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम को अपनाना, महिला और बाल विकास जो बच्चों के लिए है और महिलाओं को जिससे रोजगार मिलता है, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके के वर्गों का कल्याण करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो भी वर्तमान की जो भी समस्याएं हैं, जो भी लाभ हैं, उनको इन 11वीं अनुसूची में ये कार्य दिए हुए हैं। धन्यवाद छात्र।